गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के दूसरे लेसन के बारे में पढ़ते हैं। लेसन का नाम है बच्चों, एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी कि एक ही दल क्या है, इस हम राजनीति की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा दल किसे कहा जाता है। यानी कि एक ही दल के प्रभुत्व का दौर, जब दौर चला था, जब एक ही पार्टी की कई सालों तक सत्ता रही थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज्यादा वही है, तो हम पहले उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम इस लेसन में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफी सारी चीजें आपकी क्लियर भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है बच्चों, भारत में 1952 के आम चुनाव पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुए। कहते हैं कि भारत में जब आम चुनाव हुए थे, आप सभी जानते हो 51-52 में, अक्टूबर 1951 में और फरवरी 1952 के बीच में जो चुनाव हुए थे, तो उसे वो भारत के पहले आम चुनाव थे बच्चों। तो हुआ क्या था, हमारा देश आजाद हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारी दिक्कतें थी, आप सबने पढ़ा होगा पीछे भी क्लासों में, और वैसे भी आप देश के नागरिक हैं, उस नाते आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था तो उसके बाद देश में अनेक सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी दिक्कतें थी, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे निर्णय लेने थे। तो उनमें से एक निर्णय लिया गया था कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया जाए और किस प्रकार उसमें पहले चुनाव करवाए जाए। संविधान बनकर तो तैयार हो चुका था, लागू भी हो गया था 1950 में, तो उसके तुरंत बाद फैसला लेना था कि लोकतंत्र स्थापित किया जाए। तो एक मील का पत्थर कैसे साबित हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया ये मानती थी कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। कारण क्या था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग क्या थे, अनपढ़ थे, गरीब थे, जिनको इस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा देश, पूरी दुनिया, हर कोई ये कहता था कि नहीं, भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। परंतु फिर भी हुआ, उसके पीछे की हम कहानी देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। उस समय सबसे पहले आपको पता है चुनाव चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। जो भी इलेक्शन होते हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन होता है, तो उसके मुख्य जो चुनाव आयुक्त थे पहले, वो थे बच्चों सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। तो देखो, भारत में 1952 में प्रथम आम चुनाव दुनिया में मील का पत्थर और एक अनूठा तरीका साबित हुआ। उसमें बहुत सारी बाधाएं आई और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए एक मतदाता सूची का होना भी जरूरी था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, पहले सूची तैयार नहीं थी। उस समय हमारे देश में जो चुनाव आयोग के द्वारा जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया गया, परंतु बाद में फिर भी हमने मतलब मिलके उन लोगों ने प्रयास किया और एक सफल लोकतंत्र की स्थापना की। तो देखो वो कैसे हुआ, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची का होना जरूरी था, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन भी आवश्यक था। सीमांकन का मतलब होता है बच्चों कि किस क्षेत्र को विधानसभा में, किस क्षेत्र को लोकसभा में किस प्रकार बांटा जाए। भारतीय चुनाव आयोग ने इन कार्यों को सफलतापूर्वक किया था। 52 में लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने 3200 विधायक और लोकसभा के 489 सांसदों का चुनाव करना था। यानी कि 1952 में लगभग मतदाता कितने थे, 17 करोड़ की जनसंख्या जो वोट दे रही थी, यानी जिनका नाम मतदाता सूची में था, और 3200 विधायक थे पूरे देश में और लोकसभा के 489 सदस्य जो है सांसद चुनने थे हमने, ठीक है। इस प्रकार का कार्य हिमालय पर चढ़ाई करने जैसा था, यानी कि बहुत ही मुश्किल था। भारत जैसे देश में ऐसा कार्य बहुत ही मुश्किल था। भारतीय मतदाताओं में केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे, यानी कि 15% ही लोग पढ़े लिखे थे। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि कितना मुश्किल कार्य रहा होगा एक अनपढ़ जनसंख्या के बीच में ऐसे फैसलों को लागू करना। अतः चुनाव आयोग को विशेष मतदान पत्ती के बारे में सोचना था। भारत में चुनाव करवाने केवल इसलिए मुश्किल नहीं थे कि भारतीय मतदाता अनपढ़ और गरीब थे, बल्कि वो प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को भी नहीं जानते थे, वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जहां तक कि विकसित देशों में भी, कुछ देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु हमारे देश में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, कुछ भी हो जाए, वो उसे, हर व्यक्ति को जो देश का नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो औरत है, आदमी है, किसी जाति का, किसी धर्म का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार इस समय दिया गया था। तो जबकि भारत में 1952 में सबसे पहले इस सिद्धांत को अपनाया था, अतः भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक भारतीय संपादक ने उसी टाइम लिखा था बच्चों कि इस चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा,
यानी कि एक भारतीय संपादने का एक प्रकार का जुआ है और यह सफल नहीं होगा। ऑर्गेनाइजर पत्रिका के अनुसार भी लिखा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने जीते जी देख ही लेंगे कि किस प्रकार उनका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो सिद्धांत है वो फेल रहता है। यानी कि पूरी दुनिया मान चुकी थी कि ये सफल नहीं होगा, जो भी सपना भारत के नेतागण देख रहे हैं वो सफल नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया, पूरे चुनाव को करवाने में बच्चों 6 महीने का टाइम लग गया था, क्योंकि उस समय ये हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तो थी नहीं, तो चुनाव के तरीके भी अलग थे, तो 6 महीने का टाइम लग गया था बच्चों। और फिर हुआ ऐसे कि भारत में निष्पक्ष चुनाव हुए, स्वतंत्र तरीके से हुए, और जितने भी आलोचक थे जो मानते थे कि भारत में लोकतंत्र के ये जो चुनाव प्रक्रिया वो सफल नहीं होगी, और उन्होंने भी मान लिया कि वाकई में ही कमाल हुआ है। तो एक इसीलिए हम इसको कहते हैं कि वो मील का पत्थर साबित हुआ, जिस चीज को पूरी दुनिया इग्नोर करती कि नहीं हो सकता, वही भारत ने कर दिखाया था उस टाइम। तो उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था, ये बात स्वीकृत की जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को सफलतापूर्वक कर लिया है। इसीलिए 1952 के जो चुनाव है ना बच्चों, उनको मील का पत्थर कहा जाता है, यानी कि वो मील के पत्थर साबित हुए। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हमारे देश में पहले आम चुनाव हुए थे, जिसके अंदर कितनी सारी दिक्कतें हुई, और उसके बाद भी हम सफल रहे उन आम चुनाव में। थैंक यू। अगली वीडियो हम अगले क्वेश्चन पे